अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग एक कॉन्टैक्ट पेज बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और उसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म और बाकी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इसके अबाउट मज़ीद जानते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर आप लोग आएंगे पेजेस और सिंपल आप लोग पेजेस के सेक्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट करना होगा एक कॉन्टैक्ट पेज। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आप लोग नया क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज लेआउट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, बैक पे आ जाता हूँ वापस और इसको मैं क्विकली डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज या कॉन्टैक्ट पेज ऐड करके दिखाऊँ। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैं लेआउट से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कॉन्टैक्ट और यहाँ पे काफ़ी सारे जो डिफरेंट डिज़ाइंस है वो यहाँ पे मौजूद है कॉन्टैक्ट सेक्शन के लिए। तो सिंपल मुझे ये वाला जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्टैक्ट पेज सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इसको एडिट मोड के अंदर ले आएंगे और यहाँ पे जो चीज़ें भी हमें एडिट करनी होंगी वो हम एडिट करेंगे, इमेज और यहाँ पे नंबर और जो भी चीज़ें ऐड करनी होंगी। और मज़ीद इसके अंदर कोई और सेक्शन ऐड करना होगा तो ब्लॉग के सूरत में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एज़ यू नो, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड ब्लॉक और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है फॉर्म। तो मैं जैसे ही फॉर्म ऐड किया, इस इमेज को डिलीट मैं कर देता हूँ और इसकी जगह पर मैं इस फॉर्म को ले आता हूँ कुछ इस तरह से, इस साइड पर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है और इस पर मैं क्लिक करूँगा। डबल क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन मेरे पास आ गए। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और स्टोरेज बता सकते हैं कि आप ये इसके ऊपर जो भी क्वेरीज हैं वो कहाँ पे आप लोगों को रिसीव हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके ईमेल जो जिसके ऊपर आप स्क्वेयरस्पेस का अकाउंट बनाया वो लगी हुई है, इसको एडिट भी कर सकते हैं आप क्लिक करके। यहाँ पे कोई और ईमेल दे सकते हैं जिस पे ये क्वेरीज आप रिसीव करना चाह रहे हैं। इसके अलावा गूगल ड्राइव और बाकी सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगी कि किस तरह से आप एक कॉन्टैक्ट पेज ऐड कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं अपनी स्क्वेयरस्पेस वेबसाइट के अंदर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।